हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मारॉक्स द वे ऑफ सक्सेस फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द क्यूनोलॉन्स क्लास ऑफ एंटीबायोटिक ड्रग्स सो अवर टुडेज वीडियो लेक्चर पार्ट एट ऑन एंटीबायोटिक सीरीज ऑन टॉपिक क्यूनोलॉन्स एंड फ्लोरोनोलॉन्स सो टुडे वी लर्न अबाउट दर क्लासिफिकेशन मेकेनिजम ऑफ एक्शन यूज एंड इंडिकेशन साइड इफेक्ट्स एंड drug interactions of a quinolone class of antibiotic drugs so let's start in this lecture pharmalogs e-learning mobile application is now available so download their pharmalogs android application on google play where you find the gpat Niper d a n pharmacist test series with proper solution and explanation for test series and study material contact on 9016312020 For more educational videos, subscribe the channel and press on the bell icon and never miss any video of Farbarox. So quinolones. So quinolones के अंदर आपने widely ciprofloxacins कई बार use की होगी. उसके अलावा norfloxacins भी आती है. Okay? और ये आपने देखा है norflox, ciprofloxacin वगैरह जो यूज है widely use होते हैं various bacterial infections के अंदर. तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर मेनली बेज ऑन द क्यूनोलॉन्स क्लास ऑफ एंटीबायोटिक ड्रग्स सो वॉट आर द क्यूनोलॉन्स सो दीज आर सिंथेटिक एंटी माइक्रोबियल ए क्यूनोलॉन्स स्ट्रक्चर दैट आर एक्टिव प्राइमरली अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थ्रू द न्यूअर फिल्योरिनेटेड कंपाउंड ऑल्सो इनहिबिट ग्राम पॉजिटिव सो क्यूनोलॉन्स में क्या है कम्पलीटली सिंथेटिक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है ओके okay, कि जिसके अंदर प्रेजेंट होता है क्यूनोलॉन स्ट्रक्चर दैट आर एक्टिव प्राइमरीली अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्राइमरीली स्टार्टिंग में सिर्फ वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए इफेक्टिव थे द न्यूअर फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स आल्सो इनहिबिट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो क्विनोलोन्स क्लास के एंटीबायोटिक ड्रग था उनका फिर फ्लोरिनेटेड uh, किया गया उनको और उसके बाद डेवलप्स हुए फ्लोरोक्स तो जो फ्लोरोक्स क्लास की जितनी भी एंटीबायोटिक ड्रग्स है वो ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के अंदर काफी इफेक्टिव है सो दे आर यूज इन ह्यूमन एंड वेटरनरी मेडिसिन टू ट्रीट बैक्टेरियल इन्फेक्शन एज वेल एज इन ए एनिमल हजब्री सो so, एनिमल्स uh, के लिए वेटेनरी यूज के पर्पज से एंड ऑल्सो इन ए ह्यूमस तो ये यूज होता है इन ए ट्रीट वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस सो क्यूनोलो अनुसार क्लास ऑफ सिंथेटिक बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स विथ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एक्टिविटी विच कैन इनहिबिट बोथ ग्राम नेगेटिव एंड पॉजिटिव बैक्टीरिया इंक्लूडिंग एनेरब्स तो एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ रहा है यहां से कि वो है बैक्टेरिय सीडल ओके okay? सीडल का मतलब दे विल किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म okay? दे विल किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इफेक्टिव है ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों टाइप एज वेल एज इंक्लूडिंग द एनेरोब्स, दे एक्सर्ट देयर एक्टिविटी बाय बाइंडिंग टू बैक्टीरियल टॉपो टाइप टू एंजाइम इंटरफेरिंग डीएनए सिंथेसिस पाथवे तो ये आपके लिए है एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट क्यूनोलॉन्स के बारे में शॉर्ट नोट लिख रहे हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो या फिर यू आर मेकिंग द एनी असाइनमेंट तो यह पॉइंट आपको खास डिस्कस करना है कि वो काम क्या करता है और कैसे करता है तो उसका मेन काम है to reduce oh, sorry to kill the microorganism organism means bactericidal action okay wo uska kaam hai aur karta kaise hai to dna synthesis pathway jo hai wo inhibit kar deta hai interfering with the dna synthesis pathway और कैसे करता है तो binding to bacterial टोपो आइसोमरिस टू एंजाइम तो बैक्टीरिया के लिए डीएनए सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम्स जो पाथवे वगैरह जरूरी है उन्हीं को वो क्या करता है ब्लॉक कर देता है कंप्लीटली या फिर इनहिबिट कर देता है जिसके कारण फर्दर वो प्रोसेस स्टॉप हो जाती है एंड बैक्टीरिया आर नो लॉन्गर सरवाइव जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती है एंड इट्स एक्शन एज अ बैक्टेरी सीडल सो क्यूनोलॉन्स द फर्स्ट इज एसिड ओके सबसे पहला जो क्यूनोलन एंटीबायोटिक कौन सा डिस्कवर किया गया तो ये वाली ड्रग यहाँ पे आप देख सकते हो नालिडिक्सिक एसिड इट इज ए नेपथ नॉट ए क्यूनोलन, इट्स रिंग स्ट्रक्चर इज ए वन एट ने थायरिडिन न्यूक्लियस तो मेनली इसमें आपको ये एक चीज याद रखनी है कि उसके अंदर न्यूक्लियस में से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए कि कौन सा टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट है नालीडिक्सिक एसिड के अंदर और सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया वो क्यूनोलॉन्स क्लास की ड्रग बट बेसिकली वो क्यूनोलॉन नहीं है उसका जो रिंग स्ट्रक्चर है वो है नेपथीरिड न्यूक्लियस ओके okay? यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द डिन न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ लो पोटेंसी मोडेस्ट ब्लड एंड टिश्यू लेवल रिस्ट्रिक्टेड स्पेक्ट्रम एंड हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ बैक्टीरियल रेजिस्टेंस मतलब कि हेड यूजफुलनेस लिमिटेड टू यूरिनरी ट्रैक एंड जी ट्रैक इन्फेक्शन ओके क्यूनोल क्लास की, uh, okay? की ड्रग तो है बैक्टेरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज तो की जाती है बट बैक्टीरियल रेजिस्टेंस। जिसके कारण अब जरूरत हुए कि क्यूनोलॉन्स से आगे फाइंड किए जाए फ्लोरो कि जो हम एफ क्यू एस कहते हैं शॉर्ट में फ्लोरोक्नोलॉन्स क्लास की ड्रग सो so, ब्रेक थ्रू वॉज अचीव इन द अर्ली नाइनटी एटीज बाई फ्लोरिनेशन ऑफ द क्यूनोलॉन स्ट्रक्चर एट पॉजिशन सिक्स ओके यहां से आपको ये खास ध्यान रखना है कि क्यूनोलॉन में से डेवलप किए गए फिर फ्लोरो क्यूनोलॉन्स तो वो कैसे हुआ कि सिप्रोफ्लॉक्स इन समझो की डेवलप की गई थी तो क्या किया गया कि जो क्यूनोलॉन्स का जो स्ट्रक्चर था उसकी जो पॉजिशन नंबर छ पे क्या किया गया इंट्रोडक्शन ऑफ पाइप्राजिन ओके यहां पे आप देख सकते हो कि नंबर वन टू थ्री फोर फाइव एंड ये है नंबर सिक्स ओके छे नंबर जो है वहां पे क्या किया गया फ्लोरिनेशन फ्लोरिनेशन ऑफ द क्यूनोलॉन स्ट्रक्चर एट पॉजिशन नंबर सिक्स और सेवंथ पोजीशन पे क्या किया गया सब्स्टिट्यूशन एट पॉजिशन सेवन बाय पाइप्राजिन ओके okay, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द पाइप्राजिन रिंग ओके दिस इज द पाइप्राजिन रिंग तो नंबर छ पोजीशन पे फ्लोरिन एंड नंबर सेवन पोजीशन पे पाइप्राजिन उसका क्या किया गया सब्स्टिट्यूशन विथ हाई पोटेंसी एक्सपांडेड स्पेक्ट्रम स्लो डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बेटर टिश्यू पेनेट्रेशन एंड गुड टॉलरेटिबिलिटी तो इतना चेंजेस करने से बहुत सारे बेनिफिट सेड हुए कि जो लो पोटेंसी थी उससे हो गई हाई पोटेंसी नैरो स्पेक्ट्रम से हो गया एक्सपांडेड स्पेक्ट्रम मतलब कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम स्लो डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस नाले डिगे एक्सिड में क्या था हाई लेवल ऑफ रेजिस्टेंस था जो यहां पे हो गया लो बेटर टिश्यू पैनेट्रेशन उसमें टिश्यू पेनेट्रेशन कम हो रहा था एंड पुअर टोलरेटिबिलिटी वो यहाँ पे हो गई गुड टॉलरेटिबिलिटी सो जो क्यूनोलॉन्स का जो स्ट्रक्चर था उसमें जस्ट कुछ माइनर चेंजेस करने से बहुत सारी इफेक्टिवनेस मिली और डेवलप हुई फिर सीफ्रोफ्लॉक्सिन और ऐसे ही बहुत सारे फ्लोलो क्यूनोलॉन्स जो है वो डेवलप किए गए सो माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम एक्टिविटी क्या है तो कोलाई e. बैक्टीरिया न्यूमोनिया के लिए जो रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है एंटेरोबैक्टर, साल्मोनेला टाइफी नॉन टाइफाइड साल्मोनेला उसके बाद सीगेला, प्रोटियस नेसेरिया, गोनोरिया, मैनजाइटिडिस इन्फ्लुएंजा डुक्रीस, कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी, यर्सिनिया एंटेरो एंड विब्रियो कॉलेरे तो ये बैक्टीरिया के नाम पर से ही आपको पता चल जाएगा कि जो ये सब बैक्टीरिया के कारण जो भी अलग अलग डिसीज होती है डिसऑर्डर्स होते हैं उसकी ट्रीटमेंट के लिए जो फ्लोरोनोलॉन्स जो है वो काफ़ी इफेक्टिव है फॉर एग्जांपल विब्रियो कॉलेरा के कारण मेनली होता है कॉलेरा ओके okay, फिर इन्फ्लुएंजा के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है गोनोरिया मैनजाइटिस के ट्रीटमेंट में सालमन टाइफी के सामने अच्छी उसकी आ, एक्टिविटी है जिसके कारण इट कैन आल्सो यूज टू ट्रीट द टाइफॉइड सो नंबर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ये मेडिसिन यूज की जा सकती है अब जानते हैं नॉन फ्लोरिनेटेड क्यूनोलॉन्स अब मेन उसका क्लासिफिकेशन एक फ्लोरिनेटेड क्यूनोलॉन्स है एंड नॉन फ्लोरिनेटेड क्यूनोलॉन्स सो फर्स्ट इज नालेडिक्सिक एसिड इट इज एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एस्पेसली कॉलिफॉर्म्स इकोलाई प्रोटीअस एंटेरोबैक्टर, सीगेला, बट नॉट सीडोमोनास ओके कि ये क्या था जो हमने आगे बात की कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए स्टार्टिंग में जो नॉन फ्लोरिनेटेड क्यूनोलॉन्स थे वो इफेक्टिव थे फिर उसके नंबर छ पोजीशन पे फ्लोरीन और नंबर सेवन पोजीशन पे की गए जिसके कारण जो है उसके अंदर चेंजेस काफी अच्छे मिले और फिर फ्लोरोक्नोलॉन्स की जो पूरी सीरीज जो है वो डेवलप हुई इट एक्ट बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरियल डीएनए गायरेस एंड इज बैक्टेरी सीडल तो उसकी जो मेन जम ऑफ एक्शन समझे एसिड की तो वो थी बैक्टेर और वो काम कैसे करता था तो बैक्टीरियल डीएनए गायरेज है उसको इनहिबिट करके देन रेजिस्टेंस टू नालिडिक्सिक एसिड डेवलप्स राधर रैपिडली। कि जो हमने सबसे बड़ा डिसएडवांटेज देखा नॉन फ्य टेड क्विनोलोन्स का की रेजिस्टेंस बहुत ही फास्ट डेवलप होता है जो प्रॉब्लम सॉल्व किया गया बाय डेवलपिंग द फ्लोरिनेटेड क्विनोलोन्स। सो नाटिक्सिक एसिड इज प्राइमरली यूज एज यूरिनरी एंटीसेप्टिक जनरली एज अ सेकेंड लाइन ड्रग इन रिकरेंट केसेस और ऑन द बेसिस ऑफ सेंसिटिविटी रिपोर्ट्स नाइट्रोफ्यूरटाइन शुड नॉट बी गिवन कॉन करंटली एंटागोनिजम इज अकर्स कि समझो कि नाइट्रोफ्यूरटन को आपको यूज करते हो साथ में नालीडिक्सिक एसिड के साथ तो एंटागोनिज्म जो है वो हो सकता है इट हैज़ ऑल्सो बीन एम्प्लॉयड इन डायरिया कोजबाई प्रोटीअस ईकोलाइ सीगिला और साल्मेला बट नॉर फ्लॉक्स इन आर मोर कॉमनली यूज नावर डेज ओके इसलिए आपको आपने देखा होगा कि कई बार डायरिया वगैरह होता है कोई पेशेंट को तो मेट्रोनिडाजोल के साथ कॉम्बिनेशन में सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है वो वाइडली दी जाती है इवन मेट्रोनिडाजोल और सिप्रोफ्लॉक्सासिन के जो है वो बॉटल्स भी चढ़ाई जाती है पेशेंट को बाय और बाय पेरेंट्रली और बाय ओरली भी ये दोनों मेडिसिन यूज की जाती है टू तो ट्रीट डायरिया सो ऑप्शनल ड्रग है नाउ हम पढ़ते हैं फ्लोरिनेटेड क्यूनोलॉन्स कि जो पूरी क्यूनोलॉन्स सीरीज जो डेवलप की गई कि जिसको आ, हमने आगे देखा कि जो क्यूनोलॉन्स थे नॉर्मल उसके अंदर पोजीशन नंबर सिक्स पे फ्लोरीन एंड सेवन्थ पोजीशन पे पाइपराजीन ओके okay, वो दोनों ऐड करने के बाद जो नया क्लास डेवलप हुआ वो कहा जाता है फ्लोरिनेटेड क्यूनोलॉन्स तो ये जो फ्लोरिनेटेड क्विनोलोन्स की जो पूरी सीरीज डेवलप की उसके अंदर है नॉर ओफ्लोक्सासीन, सिप्रोफ्लोक्सासीन, फ्लॉकजासिन सीप्रो लिवोफ्लोक्सासीन, स्पारफ्लोक्सासीन, गेटीफ्लोक्सासीन, फ्लॉकजासन जेमीफ्लोक्सासीन, फ्लॉकजास स्पार तो ये अलग अलग फ्लॉगजा की पूरी जो सीरीज जो थी वो डेवलप हुई ओके okay, कि जो कहा जाता है फ्लोरिनेटेड क्यूनोलॉन्स क्लास ऑफ ड्रग्स तो अब आपकी एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन फ्लोरो तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट एक टॉपिक रहता है उसका क्लासिफिकेशन तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एज वेल एज शॉर्ट नोट लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है फ्लोरोक्नोलॉन्स तो फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्नोलॉन्स ओके उसमें सबसे पहले ड्रग है Plumaquin, कि जो वेटनरी पर्पस के लिए काफी वाइडली यूज होती है आफ्टर दैट ऑक्जोलिनिक एसिड ऑक्सोलिनिक एसिड देन रोसोक्सा सिन तो ये जो तीन मेडिसिन है वो वाइडली यूज होती है एज अ फर्स्ट जनरेशन फ्लोरो क्यूनोलॉन और फ्लूमिक्विन जो है वो वेटरनरी यूज के लिए काफी यूज होती है टू तो ट्रीट वेरियस बैक्टेरिया इंफेक्शन इन ए एनिमल्स ऑक्सोलिनिक एंड रोसोक्सिन उसके अलावा भी है स्ट्रक्चरली रिलेटेड फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स बट फॉर्मली नोट फॉर क्यूनोलॉन्स इंक्लूड्स सिन नालिडिक्सिक एसिड एंड पायरोमिडिक एसिड एंड पाइपेमिडिक एसिड तो ये आपको याद रखना है कि जो उनके स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस है कि जो फॉर क्यूनोलॉन्स नहीं है तो वो ड्रग है नलिडिक्सिक एसिड पायरोमिडिक एसिड एंड पाइपेमिडिक एसिड सो टोटल ये चार और ये तीन टोटल सेवन ड्रग ऐसी कि जो आपको याद रखनी है इन फर्स्ट जनरेशन फ्लोरो क्लास ऑफ ड्रग्स ओके फॉर क्यूनोलॉन में ये नीचे वाली चार ड्रग्स की जो हमने रेड कलर से आपको अच्छे से हाईलाइट करके दी है एंड ऊपर की जो तीन मेडिसिन है वो है फॉर क्यूनोलॉनस डेरिवेटिव अब आगे है सेकंड जनरेशन द सेकंड जनरेशन क्लास इज समाइम सब डिवाइडेड इन क्लास वन एंड क्लास टू सो उसके अंदर फेमस ड्रग है सिप्रोफासन फ्लैरोक्साजिन देन लोमी फ्लॉगजासिन नाडी फ्लॉग्जासिन नॉर्फ्लॉग्जासन ओ फ्लॉग्जासिन पी फ्लॉकिन एंड रू फ्लॉग्जासी तो ये खास आपको याद रखनी है कि जो फ्लॉक्सिन ओके जिसके अंदर सिप्रो नॉर्फ्लॉक्स लोम फ्लॉकजासिन नेडी फ्लॉकजासिन फ्लैरोन ओफ्लॉक्सिन एंड फ्लॉक्सासीन तो इतनी मेडिसिन आपको अच्छे से याद रखनी है कि जो है सेकंड जनरेशन के अंदर अब बढ़ते हैं आगे थर्ड जनरेशन ड्रग अनलाइक द फर्स्ट एंड सेकंड जेनरेशन द थर्ड जनरेशन इज एक्टिव अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकाई स्ट्रेप्टोकोकाई के लिए काफी इफेक्टिव इसमें है बेलोफ्लॉग्जासीन ग्रेपाफ्लॉक्सिन लिवोफ्लॉक्सासीन प्राजो स्पार एंड टेमाफ्लॉक्न तो ये जो मेडिसिन से टोटल है कि पाजो स्पार टीमा बेलो ग्रीपा एंड लिवोफ्लॉक्स तो वो सब है थर्ड जनरेशन क्लास की ड्रग और वो काफी इफेक्टिव है एक्टिव है अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकाई टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फर्स्ट जनरेशन में है क्लीना फ्लॉक्सासन गेटी फ्लॉक्सिन मॉग्जी फ्लॉक्सिन सीटा फ्लॉक्सिन प्रोलीफ्लॉक्सिन बेसी फ्लोक्षासिन, डेला फ्लॉक्सासन एक्सेट्रा तो इतनी जो मेडिसिन है डेला बेसी प्रोलीफ्लॉक्सिन क्लीना गेटी, मोक्सी, साइटा वगैरह जो है वो फोर्थ जनरेशन क्रिनोलॉन्स एक्ट एट डी एन ए गाइरेज एंड टॉपो आइसोमरेज फॉर दिसमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ओके तो जो फॉर्थ जनरेशन के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप होने के चांसेस है तो ये टोटल चार आप के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि फ्लोरोकिनोलॉन्स के, फ्लोरो के चारों जनरेशन टोटल फोर्थ जनरेशन आपको याद रखनी है कि फर्स्ट जनरेशन सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ अब आगे बढ़ते हैं रिगार्डिंग द मेकेजम ऑफ एक्शन सो द इनहिबिट द एंजाइम बैक्टीरियल डीएनए गायरिस प्राइमरली एक्टिव इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विच नेक्स डबल स्टैंडर्ड डीएनए ओके कि डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए है उसको निक्स करने का काम करता है तो ये उसकी मेन की मेकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो आपको खास याद रखना है कि जो फ्लोरोक्लिनोलॉन्स क्लास की जितनी भी ड्रग्स है वो सभी के अंदर ये आप कॉमन मेकेनिज्म पाओगे कि वो क्या करते हैं इनहिबिट द एन बैक्टीरियल एंजाइम डीएनए गायरेस ओके विच नेक्स डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंड इंट्रोड्यूस नेगेटिव सुपर कॉइल्स एंड देन रिसल्स द नेक्ड नेक्ड एंडेड क्या रहती है कि जो रेप्लीकेशन प्रोसेस होती है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की जिसके कारण डी एन ए का रेप्लीकेशन होता है और उसके लिए ये एनजेम्स की जरूरत होती है अब समझो कि ये एनजेम ही इनहिबिट हो जाते हैं तो फिर आगे की जो रेप्लीकेशन प्रोसेस या फिर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस दोनों जो है वो स्टॉप हो जाएगी जिसके कारण जो है वो आप जो फ्लोरोक्यूलोलोन्स को टारगेट करके जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट कर सकते हैं बिकॉज जैसे जैसे ये मेडिसिन की इफ़ेक्ट होगी बैक्टीरिया जो है वो के अंदर रेप्लीकेशन ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा जिसके कारण उनकी पहले ग्रोथ इनहिबिट होती जाएगी और आफ्टर दैट दे विल कंप्लीटली किल सो बैक्टीरिया सीडल एक्शन मिलेगी और साथ में जो भी ट्रीटमेंट है उसकी इफेक्टिवनेस भी काफी इंक्रीज हो जाती है सो द डीएनए गायरस कंसिस्ट ऑफ टू ए एंड बी सब यूनिट्स ये आपको खास याद रखना है मोस्ट आई एम पॉइंट है कि डीएनए गायरस के अंदर कितने सब यूनिट्स होते थे दो टाइप के सब यूनिट सब यूनिट ए एंड बी द ए सब यूनिट कैरीज आउट निकिंग ऑफ डी एन एंड बी सब यूनिट इंट्रोड्यूसेस नेगेटिव सुपर कॉइल्स एंड देन ए सब यूनिट रिसील्स द स्ट्रेंड तो इस तरह से ये दोनों काम करते हैं कि ए सब यूनिट क्या करता है कैरीज आउट निकिंग ऑफ डी एन एके उसके बाद बी सब यूनिट क्या करेगा इंट्रोड्यूस नेगेटिव सुपर कॉइल्स एंड देन ए सब यूनिट रेसिल्स द ए सब यूनिट विद हाई विदिटी एंड इंटरफे विद इट्स स्ट्रैंड कटिंग एंड रेसिलिंग फंक्शन अब ये जो एंजाइम अपना जो नॉर्मल काम कर रहा है डीएनए गायरेज की जो जो स्ट्रेंड होती है डीएनए की उसको पहले क्या करता है निकिंग आफ्टर दैट नेगेटिव इंट्रोड्यूशन एंड आफ्टर दैट अगेन रिसील द स्ट्रेंड फिर निकिंग करने के बाद फिर से उसको सील भी कर देता है और इस तरह से वो uh, एक प्रोसेस स्टार्ट करवाता है फॉर डीएनए एन रेप्लीकेशन एज ऑल्सो फॉर द ट्रांसक्रिप्शन अब क्या करते हैं ए सब यूनिट के साथ बाइंड हो जाते हैं विद हाई एफिनिटी एंड इंटरफेस विद द स्ट्रैंड कटिंग एंड री फंक्शन की जो इसका जो नॉर्मल फंक्शन है डी एन का कि जो डी की जो स्ट्रैंड को कट किया जाता है फिर उसको रिसिल किया जाता है और वो दोनों जरूरी होता है फॉर रेप्लीकेशन ऑफ डी एन एंड ऑल्सो फॉर द ट्रांसक्रिप्सन तो दोनों प्रोसेस को अफेक्ट करेगा इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया द मेजर टारगेट ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन सेक्शन इज द सिमिलर एंजाइम टोपो आइसोमेरेस फॉर विच निक्स एंड सेपरेट डॉटर डीएनए स्ट्रैंड आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन अब जो डॉटर डीएनए स्ट्रैंड तैयार होती है उसको निक करने का एंड सेपरेट करने का काम कौन करता है टोपो आइसोमेरेस फॉर तो उसका भी टारगेट करते हैं ये फ्लोरोक्नोलॉन्स ड्रग्स कि जिसके कारण फिर जो आ, पेरेंट डीएनए एज वेल एज डॉटर डीएनए दोनों के अंदर जो है वो डीएनए रेप्लीकेशन ट्रांसक्रिप्शन वगैरह की प्रोसेस काफी इनहिबिट हो जाती है जिसके कारण रिजल्टिंग देर इज ए डेथ ऑफ दैट बैक्टीरिया सो व्हाट इज द रोल ऑफ डीएनए गायरेस गायरेस इज एन एसेंशियल बैक्टीरियल एंजाइम दैट कैटालाइज द जिकल ट्रांजिशन ऑफ डी एन एजिकल आइसो सॉरी टोपोलॉजिकल ट्रांजिशन की जरूरत क्या होती है फॉर डी एन ए रेप्लीकेशन डीएनए की जो रेप्लिकेशनस की प्रोसेस जो आप माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ते हो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस तो वगैरह के लिए ये सब एंजाइम्स जो है वो काफी जरूरी होते हैं उसके बाद रोल ऑफ डीएनए टोपो आइसोमेरेस 4 टोपो आइसोमेरेस 4 हैज अ टू फंक्शन इन द सेल फर्स्ट इज रिस्पांसिबल फॉर अनलीकिंग और डीकेटिनेटिंग डीएनए फॉलोइंग डीएनए रेप्लिकेशन And for in the cell is relax so, दोनों एंजाइम अच्छे से काम करके डीएनए की रेप्लीकेशन और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के लिए अच्छे से प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करवाते हैं तो दोनों इनहेबिट हो जाने से आगे की वो प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाती है सो रेजिस्टेंस ऑफ देख लेते हैं कि रेजिस्टेंट म्यूटेंट्स आर नॉट सिलेक्टेड, देर फॉर रेजिस्टेंस टू फ्लोरोक्नोलॉज हैज बीन स्लो टू डेवलप इन वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म हावेवर इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस हैज बिन रिपोर्टेड अमॉन्ग सालमोनिला सूडोमोनास स्टेफाइलोकोकाई गोनोकोकाई एंड टाइप इक्रो ऑर्गेनिज्म तो ये है रिगार्डिंग द रेजिस्टेंस ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म आगे जानते हैं उसका बेसिक यूज तो फ्लोरोस आर एंटीबायोटिक्स दैट आर कॉमनली यूज टू ट्रीट वेराइटी ऑफ इलनेस लाइक रेस्पिरेटरी एंड यूरिनेटी ट्रैक इन्फेक्शन ड्यू टू पीपल विथ सिकल सेल डिस बींग्रीज द रिस्क फॉर डेवलपिंग ऑस्टिओ माइलिटिस From the Salmonella, fluoroquinolones are the drug of choice due to their ability to enter bone tissue without chelating. As टेटरासाइन are नॉन to do, कि समझो कि आप टेटरासाइक्लिन यूज करते हो आ, इस टाइप की डिसीज के अंदर तो वो क्या करता है चिलेट फॉर्म करता है और उसके कारण साइड इफेक्ट डेवलप होती है लाइक ऑस्टियोमाइलिटिस तो फ्लोरोलोल्स यूज करने से वो आ, जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है सो so, सबसे फेमस ड्रग है सिप्रोफ्लॉक्सिन इट इज़ द मोस्ट पोटेंट फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्यूनोलॉन्स एक्टिव अगेंस्ट ब्रॉड रेंज ऑफ बैक्टीरिया द मोस्ट सक्सेप्टिबल वंस आर द एरोबिक ग्राम नेगेटिव बेस्ली एस्पेश द एंटेरो सी एंड नेसेरिया तो फ्लोरोनोलॉन्स के लिए ये आपके लिए काफ़ी पिन पॉइंट बना रहेगा पिन पॉइंट खास इम्पोर्टेंट है कि मोस्ट सक्सेप्टेबल वंस आर एन एरोबिक ग्राम नेगेटिव बेसिली और मोस्ट पोटेंट फर्स्ट जेनरेशन फ्लोरोनोला अभी भी काफी वाइडली यूज होती ड्रग है सिप्रोफ्लोग नंबर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए ये यूजफुल है दाइसी ऑफ सिप्रोफ्लोक्सिन अगेंस्ट दिस बैक्टीरिया इज यूजली लेस देन माइक्रोग्राम पर एम एल वाइल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इनहिबिटेड एट रिलेटिवली हायर रिलेटिव कॉन्ट्राइंडेटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो ड्यूरिंग द ये मेडिसिन जो है वो कॉन्ट्राइंडेटेड है वो आपको ख्यास याद रखना है दूसरी ड्रग है वो इंपॉर्टेंट वो है नॉरफ्लॉक्सिन इट इज लेस पोर्टेंट देन सीप्रोफ्लॉक्सासन एम आई सी वैल्यू फॉर मोस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर टू टू फोर टाइम्स हायर कंपेयर टू सिप्रोफ्लॉक्सिन मैनीडोमोनास एंड ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आर नॉट इनहिबिटेड ओके ये आपको लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सीडोमोनास और ग्राम पॉजिटिव अमुक जो कुछ ऑर्गेनिज्म है वो नॉर्थलॉक्सिन से इनहिबिट नहीं होती नॉर्थ फ्लॉक्सिन इज प्राइमरली यूज फॉर यूरिनरी एंड जेनिटल ट्रैक इन्फेक्शन गिवन फॉर एट टू ट्वेल्व वीक्स इट कैन ट्रीट क्रोनिक यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस ऑल्सो ओके जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं यूटीआई वाले पेशेंट उसको आपने देखा होगा कि खासकर डॉक्टर्स जो है वो नॉर्थ देते हैं बिकॉज इट कैन यूज टू ट्रीट द क्रोनिक यूटीआईज नॉर्थ फ्लॉक्सन इज नॉट रिकमेंडेड फॉर रेस्पायरेटरी एंड अदर सिस्टेमिक इन्फेक्शन ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नॉर्थ्लॉग्स है वो आर के अंदर यूज नहीं की जाती ओके ओनली यूज टू ट्रीट यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन जो तीसरी एक इंपॉर्टेंट ड्रग है वो है P, पी पी में क्या है कि वो है मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ नॉर्थ्लॉग्स तो ये आपके लिए बन सकता है एक मल्टीपल चॉइस फाइंड आउट मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ नॉर्फासन ड्रग तो उस वक्त आपको याद रखना चाहिए हायर प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन पासिंग इन टू सी एस एफ इज ग्रेटर देन अदर फ्लोरोक्नोलॉन्स प्रीफर फॉर मैनजियल इन्फेक्शंस की जिसके कारण मैनजाइटिस के अंदर भी वो ट्री ट्रीटमेंट में यूज की जाती है बिकॉज ऑफ इट इज इफेक्टिव इन मैनि सिस्टेमिक इन्फेक्शंस एज वेल डोज ऑफ पी फ्लोक्स इन नीड टू बी रिड्यूज इन लीवर डिसीज बट नॉट इन रिनल इनसेफिशेंसी इट इज़ लेस इफेक्टिव इन ग्राम पॉजिटिव कोकल एंड लिस्टेरिया इन्फेक्शन तो आपके लिए जानना जरूरी है कि ज्यादा वो प्रीफर की जाती है मैनेजाइटिस के लिए ओके और यहां पे आप देख सकते हो कि प्रीफर फॉर मैनेंजियल इन्फेक्शन एंड इट इज लेस इफेक्टिव इन ग्राम पॉजिटिव कोकल एंड लिस्टेरिया इंफेक्शन उसके बाद एक ड्रग है ओफ्लोक्सासिन। दिस क्लोरोक्यूनोलॉन इज Somewhat less active than ciprofloxacin against gram-negative bacteria, but equally or more potent against gram-positive ones and certain anaerobes. Good activity against chlamydia and mycoplasma. It is alternative drug for non-specific urethritis, cervicitis, and atypical pneumonia caused by chlamydia. इट इज ऑल्सो इनहिबिट द माइक्रोबैक्टेरियम ट्यूबेकुलिस कैन बी यूज इन रेजिस्टेंस केसिस ऑफ ट्यूबेकुलर ड्रग कि समझो कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग का किसी पेशेंट को रेजिस्टेंस है तो उसके लिए ओफ्लोग एक सेकेंड चॉइस ड्रग बन सकती है हाई एक्टिविटी इज एग्जिबिटेड अगेंस्ट माइक्रोबैक्टेरियम लैपरे एंड इज बींग यूज इन अल्टरनेटिव इन मल्टी ड्रग थेरापी रेजिमेन की जो टीबी और लेप्रोसिड दोनों के अंदर अल्टरनेटिव ड्रग के तौर पे ओफ्लोक्सासिनस को प्रेफर किया जाता है बिकॉज़ इफेक्टिव है माइकोप्लाज्मा के अंदर की जो माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर काफी इफेक्टिव like है लाइक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम लेप्रे एटसेट्रा आगे जानते हैं लिवोफ्लोक्सासिनस के बारे में तो वो है लिवो आइसोमर ऑफ ओफ्लॉगजिन इम्प्रूव एक्टिविटी अगेंस्ट स्ट्रेप्टोमाइसिस न्यूमोनिया एंड सम अदर ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एनेरोब्स आर मॉडरेटली सक्सेप्टेबल ओरल बायोलिटी ऑफ लिवो फ्लॉग्सिन लियरली हंड्रेड परसेंट ओरल एंड डोज आर सिमिलर ये आपके लिए बहुत बड़ा पिन पॉइंट है वी हैव मेक द रेड कलर ओके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए कि लिवो आइसोमर ऑफ ओफ्लोक्सिन इज अराउंड हंड्रेड परसेंट प्रोवाइड द बायोबिलिटी इन ओरल एज वेल एज इन ए आईवी हाई क्यूर रेट्स हैव बीन नोटेड इन साइनो साइनोसाइटिस एंड अदर यूटीआईज एज वेल एज स्किन एंड सॉफ्ट इसफेक्शन्सो लिवो फ्लॉक्सन जो है वो साइनसाइटिस प्रोस्टेटाइटिस और अदर यूनिरी ट्रैक्स इंफेक्शन के अंदर काफी इफेक्टिव है आगे जानते हैं लोमी फ्लॉक्सेंस के बारे में सेकेंड जनरेशन डाइफ्लोरिनेटेड क्लूनोलॉन्स दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू Which of the following is difluorinated quinolone? It is a lomifloxacin. Equal in activity to ciprofloxacin, but more active against some gram negative bacteria and chlamydia. Because of longer half life and persistence in tissues, it is suitable for single daily administration. हाउ एवर ड्यू टू हायर इंसिडेंट्स ऑफ फोटो टैक्सीटी एंड क्यूटि प्रोलोंगेशन इट हैज़ बीन विदड्रॉ इन यू एस एके यूएसए के मार्केट के अंदर ये ड्रग जो है वो बैन की गई है ड्यू टू द साइड इफेक्ट्स लाइक फोटोटैक्सिटी एंड क्यूटि प्रोलोंगेशन एंड सम अदर कंट्रीज बट अवेलेबल इन इंडिया थ्रू इन फ्रीक्वेंटली यूज मतलब कि फ्रीक्वेंटली काफ़ी कम है उसकी यूज होने की बट अभी तक बैन नहीं की गई है नेक्स्ट ड्रग है वो है जेमी अनदर ब्रॉड स्पेक्ट्रम फ्लोडोक्लोलिस एक्टिव मेनली अगेंस्ट एरोबिक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्पेशली स्ट्रेप्टोमसिस न्यूमोनिया इन्फ्लुएंजा, मोराक्सेला, माइकोप्लाज्मा एंड क्लेमाइडिया क्लैपसियला सम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन साइड इफेक्ट्स आर डायरिया, डायरियाड एक डिजीनेस एंड सीरम अमाइनो स्किन आर मोर कॉमन। इज इंडिकेटेड इन कॉम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया एंड फॉर एक्यूट एक्सा सेरेबेसन ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस तो जेमिफ्लॉक्सिन में से कौन सा कोई एमसीक्यू पूछा जा सकता है तो ये वाला जो नीचे वाला जो पॉइंट है कि से इंडिकेटेड इन कॉम्बिनेटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया एंड फॉर एक्यूट एक्सा ऑफ क्रोनिक उसके अंदर ये काफी यूजफुल है नेक्स्ट जेटिफ्लॉग्सिन इट इज विथ हायर एफिनिटी फॉर बैक्टीरियल टॉपो आइसोमरेज फॉर वॉज फ्रिक्वेंटली यूज फॉर ग्राम पॉजिटिव कोकल मेनली रेस्पारेटरी एंड ई एंटी इन्फेक्शंस हवेवर इट कॉज क्यूटिव प्रोलोंगेशन आर्थीमिया फोटोटॉक्सिटी एंड अनप्रडिक्टेबल हाइपोग्लाइसिमिया बिकॉज ऑफ विच वॉज डिस्कंटीन्यू इन मोस्ट कंट्रीज एंड हैज बीन बेन इन इंडिया सिंस मार्च टू थाउजेंड एंड इलेवन तो ई एंटी रेस्पाइरेटरी इन्फेक्शन में यूज होती थी बट उसकी जो साइड इफेक्ट थे ओके okay, जिसके कारण वो मार्च 2000 इंडिया इलेवन के अंदर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज एज वेल एज आल्सो इन इंडिया इट इज कंप्लीटली बैन आगे जानते साइड इफेक्ट्स बॉक्सड वार्निंग टेंडेंस नर्वस सिस्टम ऑरोटिक डिसेक्शन एंड कोलाइटिस तो ये उसके मेन पांच मेजर साइड इफेक्ट है बॉक्स वार्निंग क्या है वो जानेंगे हम वट इज टेंडेंस वट इज द साइड इफेक्ट ऑन सी एन एस ऑर्टिक डिसेक्शन एंड कोलाइटिस सो सबसे पहले जानते हैं बॉक्स वार्निंग मतलब कि क्या है ये इन टू थाउजेंड एट एफडीए एडेड ब्लैक बॉक्स वार्निंग ऑन ऑल फ्लोरोनोलॉन्स एडवाइजिंग ऑफ इंक्रीज द रिस्क ऑफ टेंडन डैमेज तो ये बॉक्स वार्निंग क्या होता है तो मतलब कि जो भी समझो कि ब्लिस्टर पैकिंग है ओके का तो उसके पीछे की ओर जो प्रिंटिंग रहती है तो वहां पे बॉक्स वार्निंग्स लिखी होती है इसके बारे में कि मस्ट बी टेकन विद द एडवाइस ऑफ फिजिसियन ओके फिर ये होती है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग ओके ओवर द काउंटर जो है वो अवेलेबल नहीं रहती ओके दे आर ओनली द prescription drugs are and are taken with the proper advice of a physician or doctor. in 2016, the fda found that when used systematically by mouth or injection, disabling and potentially permanent serious side effects can involve the टेंडन्स, मसल्स जॉइंट, नव एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसर्न रिगार्डिंग लो ब्लड शुगर एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम वेयर एडेड इन टू थाउजेंड एंड एटीन की जो लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग टू क्या होता है लो ब्लड शुगर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम वगैरह जो है वो हो सकते हैं बाय द फ्रिक्वेंटली यूज ऑफ द फ्लोरो जिसके कारण ये बॉक्स वार्निंग काफी जरूरी है उनके लिए टेंडन्स की जो साइड इफेक्ट है मेन क्विनोलोन्स आर एसोसिएटेड विद ए स्मॉल रिस्क ऑफ टेंडोनाइटिस एंड टेंडन रैप्चर इन और 2013 रिव्यू फाउंड द इंसिडेंस ऑफ टेंडन इंजरी अमंग दोस टेकिंग फ्लोरोक्विनोलोन्स टू बी बिटवीन 0.08 एंड 0.20% द रिस्क अपीयर्स

नर्वस सिस्टम इफेक्ट्स इंक्लूड द इंसोमनिया रेस्लेसनेस एंड सीजर, कन्वर्जन एंड साइकोसिस अदर रेयर एंड सीरियस एडवर्स इफेक्ट हैज बीन ऑब्जर्व विथ वेरिंग डिग्री ऑफ एविडेंस फॉर कोजेसन तो सी एन एस पे भी उसके साइड इफेक्ट है ऑरोटिक डिसेक्शन। फ्लोरोक्यूनोलॉन्स कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रेयर बट सीरियस टीयर्स इन ऑर्टा पीपल एट इंक्रीज द रिस्क इंक्लूड दो विद ऑरटिक एन्यिज्म हाइपर टेंशन सर्टे जीनेटिक कंडीशन सच एस मारफान सिंड्रोम एंड फ्लैर्स डेनलोस सिंड्रोम एंड द एल्डरली फॉर दिस पीपल फ्लोरोक्नोल शुड बी यूज ओनली वेन नो अदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस आर अवेलेबल कि समझो कि फ्लोरोक्नोल्स आप तभी यूज करो जबकि कोई अल्टरनेटिव रेजमेन अवेलेबल Hai. that's why otherwise you can avoid the fluoroquinolones after that colitis uh, clostridium difficile colitis may occur in con connection with the use of any antibacterial drug especially those with a broad spectrum activity such as uh, clindamycin cephalosporin and fluoroquinolones fluoroquinolones treatment is associated with the risk that is similar to less than that associated with the broad spectrum cephalosporins. The colitis and last, my contraindications. The quinolones are not recommended in people with epilepsy, uh, Marfan syndrome, uh, Ehlers Danlos syndrome, QT prolongation, pre existing CNS lesions, or CNS inflammation, or who have had a stroke. दे आर बेस्ट एवॉडेड इन द एथलीट पॉप्यूलेशन तो ये नंबर ऑफ साइड इफेक्ट जो है उसके कारण वो कॉन्ट्राइंडेटेड गो की गई है इन वेरियस डिसीज एंड इन ए डिस सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर टेस्ट अवेलेबल ऑन फार्मरऑक्स एप डाउनलोड दमर ऑक्स एंड्रॉइड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले